अब ईरान इसराइल पर पलटवार करने जा रहा है। क्या ईरान इसराइल से हमले का बदला लेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इसराइल को डर है कि क्रोधित ईरान इसराइल पर फिर से हमला कर सकता है। हमले को लेकर खामनेई ने तेहरान में बड़ी बैठक भी की है। तो सवाल यही है कि अगर ईरान इसराइल पर पलटवार करता है तो ये हमला कैसा होगा? एक लीक हुई रिपोर्ट से ईरान के खतरनाक प्लान की जानकारी सामने आई। इसराइल ने ईरान में बड़े हमले को अंजाम दे दिया। इसराइल सेना का दावा है कि उसका हमला सफल रहा। ईरान में उसने 20 टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इसराइली हमले से क्रोधित ईरान आधी रात को इसराइल पर वज्रपात कर सकता है। ईरान इस हमले का विध्वंसक बदला लेने जा रहा है। इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरानी सेना ने किया है। इसराइल के हमले के तुरंत बाद ईरानी सेना ने कहा कि ईरान को हमले का जवाब देने का अधिकार है। ईरानी सेना इसराइल में पलटवार के लिए तैयार है। इसराइल और अमेरिका को भी इस बात का डर है कि ईरान विध्वंसक पलटवार करेगा। यही वजह है कि ईरान में हमले से पहले ही आईडीएफ ने ईरान को चेतावनी जारी कर दी थी कि वो पलटवार करने का दुस्साहस न करे, वरना इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। ईरान को पहले से ही पता था कि इसराइल हमला करेगा, लिहाजा 25 दिनों में ईरान ने भी काउंटर अटैक की तैयारी कर ली थी। अब ईरान का पलटवार तय माना जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर ईरान का काउंटर अटैक कैसे होगा? ईरानी पलटवार का जो ब्लूप्रिंट लीक हुआ है उसके मुताबिक आईआरजीसी सूत्रों के मुताबिक 1000-1000 मिसाइलों से 5 राउंड हमले की तैयारी है। यानी इसराइल में कुछ ही घंटों में 5000 मिसाइल फायर की जाएंगी। ईरान ने इसके लिए एक ही ट्रिगर से 1000 मिसाइल फायर करने वाले लॉन्च सिस्टम को रेडी कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान इसराइल पर खैबर शिकन 2 जैसी उन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा जो अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। आईआरजीसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ थार्ड को चकमा देने वाली मिसाइलें निकाल ली हैं, बल्कि इसराइल के आयरन डोम एरो 3 और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने वाली मिसाइलों को लॉन्च साइट पर लोड कर दिया है। मिसाइलों के साथ ईरानी सेना ड्रोन से भी प्रहार कर सकती है। इसके साथ ही ईरान इसराइल पर साइबर अटैक को भी अंजाम दे सकता है ताकि इसराइली डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया जा सके और इससे उसके ज्यादातर हमले सफल हो जाएं। ईरानी प्लान के मुताबिक इजरायली हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन फायर करेगी। ठीक उसी वक्त इजरायली डिफेंस को चकमा देने के लिए ईरान दक्षिण से होती सीरिया और लेबनान से हिजबुल्ला, इराक और सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस, वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, गाजा से हमास जैसे संगठनों से एक साथ हमला करवाएगा। हालांकि कुछ ईरानी अफसरों का यह भी कहना है कि ईरान का हमला उसी अनुपात में होगा जैसा इसराइल ने किया है। ऐसा हुआ तो ईरान इसराइल के आधा दर्जन सैन्य बेस को निशाना बना सकता है। हाइफा नेवल बेस, अशदोद नेवल बेस, इलात नेवल बेस, रमत डेविड एयर बेस, स्तोद मिचा एयर बेस, कैंप राबिन बेस और नहाल बेस ईरान के टारगेट पर इसराइल के यही ठिकाने हैं। ईरानी सेना यहीं पर धमाके कर सकती है। ईरान की तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका इसराइल की मदद करेगा। मदद के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-16 और F-35 की नई स्क्वाड्रन भेज दी है ताकि इसराइल को ईरान के हमले से बचाया जा सके। अमेरिका ने ईरान के हमले को रोकने के लिए इसराइल में एक और थार्ड की तैनाती कर दी है। अमेरिका का ये एयर डिफेंस ईरान पर हमले से ठीक पहले ही इसराइल पहुंचा। जाहिर है अगर ईरान ने पलटवार किया तो जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत।